सनतकारों और ताजरों के प्लाटों की बिला जवाज कैंसिलेशन को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया समेत दीगर मकामात पर इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स के प्लाटों की कैंसिलेशन से सन्नती व तिजारती मसाइल बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल प्लाट्स पर इंडस्ट्री के क्याम से न सिर्फ मौईशत तरक्की करेगी बल्कि इससे बेरोजगारी का खात्मा भी होगा। पैडमिक की जानिब से प्लाटों की कैंसिलेशन के खिलाफ ताजरों के शाना बशाना हर महाज पर खड़े रहेंगे। इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत कोई फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जफर महमूद चौधरी का तकरीब से खिताब। सुंदर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के ऑफिस में बिजनेस कम्युनिटी के 60 प्लाटों की कैंसिलेशन के खिलाफ सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जफर महमूद चौधरी की क्यादत में अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास के मौके पर सुंदर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर मलिक अजहर समेत दीगर अहम सन्नती व तजारती रहनुमा और पैडमिक के मुतासरीन इजलास में मौजूद थे। तकरीब के मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जफर महमूद चौधरी का कहना था कि पैडमिक की जानिब से प्लाटों की कैंसिलेशन का फैसला यक तरफा और बेबुनियाद है जिसकी मुजम्मत करते हैं। गुज़िश्ता साल प्लाटों के मालकान की आवाज़ बुलंद करके रिलीफ फराहम करवाया था। इंशाल्लाह अब दोबारा मसाइल के हल तक रोजाना की बुनियाद पर जिद्दोजहद करूंगा। तकरीब के मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सीनियर रहनुमा पिया फाउंडर्स अलायंस जफर महमूद चौधरी का कहना था कि अलायंस ने हमेशा ताजरों को सहूलियात की फराहमी और मसाइल के हल के लिए सफे अव्वल का किरदार अदा किया है और इस किरदार को मजीद तंदही के साथ जारी रखा जाएगा।